सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बार बार गिरने में कोई बुराई नहीं है, बार बार गिर के उठने का प्रयास ना करना बुरा होता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, इसीलिए हिम्मत कभी ना हारे। आज का पंचांग 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 3:34 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 3:34 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेष राशि 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार, स्वास्थ्य चिंताओं के कारण आप परेशान हैं। अपनी चिंताओं को स्वयं ही न रखें बल्कि उनके साथ भी शेयर करें जो आपकी सहायता कर सकें। सोच समझ कर निवेश करें, अभी खुद की देखभाल का अभ्यास करें और अपने उत्तरों के लिए आध्यात्मिक रास्तों का सहारा लें। आज आपका पूरा ध्यान अपनी योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। आप अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने जीवन में असंतोष की स्थिति न आने दें। जीवन में अच्छे बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता बल्कि वो अपने कामों से महान बनता है। यह समय अपनी दिनचर्या तथा कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने का है, इसे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी पड़ोसी के साथ बिगड़े हुए संबंधों को मधुर करने का अनुकूल समय है। काम की गति भले ही धीमी रहे लेकिन सतर्कता बनाए रखें। विचार और अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। किसी भी तरह से खुद के लिए नकारात्मक नजरिया न बनने दें। आपके लक्ष्य कुछ महीनों में हासिल होंगे लेकिन आपको संयम रखना होगा। अधूरे काम या शिक्षा को पूरा करने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप की वजह से स्थिरता बनी रहेगी। सावधानियां, वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अनुसरण करें। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को ज्यादा तुलना दें। इस समय बहुत ही शांति से व्यतीत करने का है। युवा अपनी किसी कामयाबी से घबराने के बजाय पुनः प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घरेलू और व्यवसायिक मामले आपके अपमान या दुख का कारण बन सकते हैं। प्रेम का रोग लाइलाज है जो केवल अपने पार्टनर की केयर और प्यार से ही ठीक होगा, लेकिन ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें। अपने पिता से मिली शिक्षा व ज्ञान का अब आपको फायदा होगा। आज आपका ध्यान व्यावसायिक जीवन पर केंद्रित रहेगा। व्यस्तता के कारण आप अपने साथी से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिन भर के कामों के बाद तारों के छांव में साथ में डिनर करने से आप दोनों को अच्छा महसूस होगा। लोगों को लुभाने के लिए कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका चार्म ही काफी है। बात करते हैं करियर की। घर या काम में संतुलन बनाना आपके लिए इस समय चुनौती हो सकता है। आपका शांत मूड आज आपके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेगा जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। सफर में हुई गड़बड़ी व कोई अप्रत्याशित बीमारी आपको निराश कर सकती है। आज आपका पूरा ध्यान अपने विचारों को प्रकट करने पर है जिससे आप अपने आप को उपलब्धियों के और भी नजदीक पाएंगी। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी। अभी आपके आसपास के लोग भी आपके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। विभिन्न लोगों से बातें करें और उनकी अनुभवों से शिक्षा लें, यह भविष्य में आपके काम आएंगी।
बात करती हैं सेहत की। वर्तमान मौसम की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वजन ना बढ़े इस बात का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चावल और पैसे का दान करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।